राजस्थान में हुए लोकसभा चुनाव में 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां के विधायक सांसद बन गए हैं। इनमें दौसा टोंक जिले की देउली उनियारा, खींवसर, झुंझुनू और बांसवाड़ा की 84 विधानसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर इसी साल के आखिर में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इन सभी सीटों पर चुनाव जीतने का दावा किया है। नमस्कार, मैं श्वेत जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल टोंक में मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने सभी 5 सीटों पर चुनाव जीतने का दावा किया है। पायलट बोले कि इतिहास गवाह है, उपचुनावों में हमेशा कांग्रेस ने जीत हासिल की है और हम सभी 5 सीटों पर उपचुनाव जीतेंगे। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और हर सीट पर बेहतर उम्मीदवार उतारेंगे। तो वहीं टोंक सवाई माधोपुर से सांसद और देउली उनियारा से 2 बार विधायक रहे हरीश मीणा बोले कि चुनाव तो पार्टी लड़ेगी, तैयारी पार्टी करेगी, संगठन करेगा और हमारी कोशिश है कि देउली उनियारा कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस के पास ही रहे, जिसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है और हम निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे। जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 3 सीटें देउली उनियारा, दौसा और झुंझुनू से हरिश्चंद्र मीणा, मुरारी लाल मीणा और बृजेंद्र ओला ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। ये सभी पायलट केएम के नेता माने जाते हैं। ऐसे में इस उपचुनाव में सचिन पायलट पर यह जीत हासिल करने का दबाव होगा। देउली उनियारा तो टोंक जिले की ही विधानसभा सीट है और टोंक से सचिन पायलट खुद विधायक है। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।